इट्स ओके okay. तो ये दो तीन पॉइंट्स थे, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टाल्टिक के बारे में जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, अब ये तो या नेचुरल म्यूटेशन द्वारा या फिर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन द्वारा या फिर आर्टिफिशियल म्यूटेशन द्वारा, जैसे भी है, हमने स्टराइल प्लांट्स क्रिएट कर लिया, ठीक है, यानी स्टेरिलिटी क्रिएट हो गई, साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टाल्टिक हमको मिल गया। अब इसको मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमको इस बार मेरिस्टाल्टिक मिल गई, नेक्स्ट ईयर भी हमको मेरिस्टाइल लाइन चाहिए, सीमस लाइन चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका सेल्फिंग तो करा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्टाइल है, ये मेल स्टाइल है, ठीक है, मेल स्टाइल होगा तो क्या होगा, ये सेल्फिंग तो होगी नहीं, तो हमको क्या जरूरत है, मेंटेन करने की। अगर इसको मेंटेन करके रखेंगे तो हम इसका बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, हाइब्रिड प्रोडक्शन में। तो मेंटेनेंस कैसे करते हैं, नॉर्मल फर्टाइल के साथ इसका क्रॉस करा देते हैं, ठीक है, मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, सीएमएस लाइन मिल गया हमको, इसको मेंटेन करने की, इसलिए कि हमको हाइब्रिड प्रोड्यूस करना है, सीएमएस लाइन का या फिर मेल स्टेरिलिटी का यूज ही होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, और हाइब्रिड प्रोडक्शन में, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जहाँ पे सीड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता हो, ठीक है, हाइब्रिड प्रोडक्शन जहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस रखते हो, ठीक है, उसमें हम सीएमएस लाइन का यूज करते हैं, जहाँ पे सीड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, जैसे कि कैरेट हो गया, ओनियंस हो गया, और वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड जितने भी प्लांट्स हैं उसमें सीएमएस लाइन का यूज होता है। तो इसको मेंटेन कैसे करेंगे, अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो हमको बार बार हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए बार बार सीएमएस लाइन बनाना पड़ेगा, या आर्टिफिशियली इंतजार करें, सॉरी आर्टिफिशियली बनाएं केमिकल यूज करके, या फिर वेट करें कि हमारे लाइंस में नेचुरल म्यूटेशन कब होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कब होता है और हमको सीएमएस कब मिलता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा वेटफुल हो जाएगा, ठीक है, ये लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मेंटेन कर लेंगे, एक बार हमारा सीएमएस क्रिएट हो गया तो इसको मेंटेन करेंगे ताकि बार बार यूज कर सकें। तो मेंटेनेंस के लिए सिंपल काम करते हैं, जो स्टेराइल लाइन है उसको हम फर्टाइल लाइन से क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक हमारे पास सीएमएस लाइन है, इसका न्यूक्लियस है और इसका साइटोप्लाज्म स्टेराइल है, ठीक है, ये ए लाइन हो गया, ए लाइन होता है स्टेराइल लाइन, ठीक है, ए लाइन कही है फिर स्टेराइल लाइन कही है। इसको आप ध्यान से देखिए, इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि यही सीजीएमएस में कन्वर्ट होगा, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मेल स्टेराइल लाइन, इसको हम फर्टाइल से क्रॉस करा देते हैं, इसका साइटोप्लाज्म फर्टाइल है, ठीक है, ये क्या हो गया बी लाइन। बी लाइन हमेशा क्या होता है, मेंटेनर, हमको मेंटेनेंस का ही तो काम करना है, पे इस साइटोप्लाज्म को सिंपल मेंटेन करना है। अब इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसके जीन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस डिफरेंसेस क्या है, इसका साइटोप्लाज्म स्टेराइल है, इसका साइटोप्लाज्म फर्टाइल है, ठीक है, तो ये फर्टाइल लाइन है, ये स्टेराइल लाइन है, यानी ये नॉर्मल प्लांट्स है, किसी भी क्रॉप का नॉर्मल प्लांट्स है और उसी क्रॉप का ये साइटोप्लाज्मिक स्टेराइल प्लांट्स है, ठीक है, बाकी जीन सेम टू सेम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब क्रॉस कराएंगे, तो स्टेराइल, यानी स्टेराइल लाइन हमको मिल गया। ये स्टेराइल क्यों होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है वो फीमेल लाइन से ही आता है, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसका न्यूक्लियर जीन ही सिर्फ इसमें ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो यहाँ से न्यूक्लियस ही ट्रांसफर हो रहा है, स्टेरिलिटी इसकी तरफ से, साइटोप्लाज्म की तरफ से, तो स्टेरिलिटी कंट्रीब्यूट कौन करता है, हमेशा फीमेल लाइन करता है, ये मेल स्टाइल है, यानी यह फीमेल यूज किया गया है तो फीमेल के तरफ से ही आता है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। यानी अगर एक एग्जांपल ले लीजिए मेल और फीमेल का ह्यूमंस में, ठीक है, तो मेल क्या कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है, स्पर्म क्या होता है, जर्म लाइन होता है, जर्म लाइन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने जीन होते हैं वो जाते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म कहाँ से आता है, ओवम से, यानी जो फीमेल का ओवम होता है एक, इसी एग में तो स्पर्म आके पेनिट्रेट करता है, ठीक है, और इंटर करता है, तो ये जो स्पर्म है ये क्या, इसके पास क्या होता है, जर्म लाइन के जितने भी जीन होते हैं, जर्म लाइन का डीएनए होता है वो सिर्फ होता है, यानी न्यूक्लियस में जितने भी जीन होते हैं वो इसके पास होता है, बाकी का साइटोप्लाज्म कहाँ से आता है, फीमेल से, ठीक है। तो ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल लाइन, ये जो हमेशा F1 होगा ये स्टेराइल ही होगा, ठीक है, तो हमारे पास स्टेरिलिटी था और स्टेरिलिटी है, यानी स्टेरिलिटी को हमने मेंटेन कर लिया है, तो ये स्टेराइल लाइन हमको मिल गया। अब देखिए, अगर इसमें हम किसी रिस्टोरर लाइन का यूज कर दें, यहाँ पे स्टेरिलिटी है, ठीक है, सिंपल देखिए, ए लाइन और बी लाइन हमने मेंटेन कर दिया, अगर यहाँ पे यूज कर लें आर लाइन क्या हो जाता है, रिस्टोरर लाइन, यानी कोई लाइन हमको एक ऐसा मिल जाए जिसका जीन जो है न्यूक्लियस जीन वो रिस्टोरर जीन रखता हो,
इसका साइटोप्लाज्म या स्टेराइल हो या फर्टाइल हो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फर्टाइल मान लीजिए नॉर्मल प्लांट से, तो ठीक है। इसके इसकी क्वालिटी क्या है कि इसमें रिस्टोरर जीन है। रिस्टोरर जीन के बारे में भी बात करेंगे जब हम सीजीएमएस की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि सीजीएमएस आया कहाँ से या सीजीएमएस का मैकेनिज्म क्या होता है। तो सीजीएमएस जो होता है वो सीएमएस ही होता है, ठीक है। सीएमएस में ही अगर उससे रिलेटेड किसी वाइल्ड स्पीसीज में या उससे रिलेटेड किसी अन्य स्पीसीज में उसके स्टेरिलिटी को ओवरकम करके, ठीक है, फर्टिलिटी को रिस्टोर कर दे, तो सीजीएमएस क्या होता है, सिंपल सीजीएमएस सीएमएस ही होता है। सीएमएस में हम साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेरिलिटी होता है उसका बी लाइन से मेंटेन करते हैं, मेंटेन ना करें डायरेक्ट हम इसके स्टेरिलिटी को रिस्टोर कर दें, ठीक है। यानी इस स्टेरिलिटी को ओवरकम करके फर्टिलिटी रिस्टोर कर दें किसी आर लाइन द्वारा, आर लाइन मतलब किसी रिस्टोरर जीन द्वारा, तो क्या हो जाएगा, ये सीजीएमएस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक साइटोप्लाज्मिक द्वारा कंट्रोल है, दूसरा जो रिस्टोरर लाइन होता है वो जेनेटिक कंट्रोल होता है, इसके पास न्यूक्लियर जीन द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो हम साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेरिलिटी में न्यूक्लियर लाइन से, न्यूक्लियर जीन से रिस्टोरेशन का काम करते हैं, तो इट्स बिकम द होल प्रोसेस बिकम सीजीएमएस। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेरिस्टेरिलिटी, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेरिलिटी ऑलरेडी हमारे पास है, साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेरिल लाइन है, और इसका जब आर लाइन का यूज करते हैं तो आर लाइन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो न्यूक्लियर जीन के द्वारा होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का भी तो इसमें कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, जेनेटिक कंट्रोल का कंट्रीब्यूशन हो गया, तो ये हो जाता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेरिस्टेरिलिटी, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं हम साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेरिस्टेरिलिटी, इट्स ओके। यहाँ तक आपको कन्फर्म रहेगा, ए लाइन बी लाइन सिर्फ हम यूज क्या करेंगे, आर लाइन का, ठीक है, सीजीएमएस में।